जबकि अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस को भी घेरा और इस मुद्दे पर कांग्रेस से अपना स्टैंड साफ करने की मांग की। एक देश में कैसे दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं? कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए कि अब्दुल्ला के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान की आड़ में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर सत्ता के लिए उसूलों से समझौता करने का आरोप लगा दिया। चार साल उनके साथ सरकार बना के रखी तो पहले ये जवाब दें और देश से माफी मांगे। हालांकि इस सारी सियासी उठापटक के बीच उमर अब्दुल्ला अपने बयान पर अड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा और उस आईन के तहत हमें अपना वज़ीर-ए-आज़म और अपना सदर रियासत होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी उमर अब्दुल्ला ने यही बात कही थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की मांग पर तीखे तेवर दिखाए और धमकी भरे लहजे में कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की बात कर दी। हमारा झंडा अपना होगा, हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वज़ीर-ए-आज़म भी रखा था जो उन्होंने कहा था, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से अलग साबित करने की भी कोशिश की। हमारा मुकाबला उन रियासतों के साथ कर रहे हो, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, उनका झंडा दिखाइए, है कहीं उनका झंडा? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था और अब उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए अलग झंडे और प्रधानमंत्री की वकालत कर दी है। कश्मीर के बांदीपुरा में हुई इस रैली में अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की और जम्मू कश्मीर के शर्तों के साथ भारत में शामिल होने का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की जब जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होता था और राज्य में पुरानी व्यवस्था लागू करने की हिमायत की। जनसेना के मुखिया ने मायावती के पैर छुए। विशाखापट्टनम में जनसेना के मुखिया पवन कल्याण ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के पैर छुए। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर के बाहर इंदिरा और प्रियंका गांधी की प्रिंट वाली साड़ियों की सेल लगाई गई। थाने की जिला अदालत ने राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर नोटिस भेजा। अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को रद्दी का कागज बताया। आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच तुषार अरोठे को गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के करनाल में कई जगहों पर स्पा और मसाज पार्लर पर छापेमार कर पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ कर कई लोगों को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के ओएसडी की निजामुद्दीन से लूटी गई कार को गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने मात्र आधे घंटे में बरामद कर लिया। बिहार की वैशाली संसदीय सीट से पूर्व वीडियो ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। बिहार की सीतामढ़ी में पुलिस ने लाखों रुपए की शराब को बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया। पुंछ के चक्कंदा बाग इलाके में पाकिस्तान की फायरिंग के बाद पुंछ रावलकोट से होने वाले नियंत्रण रेखा पार के व्यापार को रद्द किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छापेमारी के जरिए अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से 100 से ज्यादा आधे बने तमंचे बरामद किए। बिहार की गोपालगंज में पुलिस ने एक व्यापारी से कोलकाता में लूटी गई 39 लाख रुपए की नगद रकम को बरामद